कंटिजेंट पेड वर्कर्स की मांगे पूरी करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, एलजी साहब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे हैं, इनको कोई टसेमस नहीं हो रहा है। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाई अपनी एडवाइजरी कमेटी, आज बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने एडवाइजरी कमेटी। इनको हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि जो हमें लाठियां बरसा रहे हो आप, बरसाओ, कब तक बरसाओगे लाठियां? हमारा भी वक्त आएगा एक दिन, हम भी उस वक्त लाठियां बरसाकर आपको कुर्सी से हम उतारेंगे। अगर हमारा मसला ये जो इन्होंने बताया 10 जनवरी से पहले हम जो हमारी कमेटी बनाई है उसकी हम रिपोर्ट गवर्नर इंतजामिया तक सौंपेंगे, और गवर्नर इंतजामिया को पता है, उनको पता है, जबकि वो आर्डर निकालते हैं स्कूल में इलेक्शन आने वाला है, सरकारी स्कूल का कुक उधर खाना बनाएगा, उधर वो सफाई करेगा, स्कूल उन्होंने ही दिए हैं, कोई वो थोड़ा ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना कहीं बन गया है स्कूल। हमारी ना तनख्वाही बढ़ाए ना कुछ, 10 से 4 बजे तक छुट्टी होती है हमको, बस उसके बाद ना पैसा मिलता है स्कूल का। 18 साल हो गए स्कूल में, कोई पता नहीं है, हमारा बच्चों का पता नहीं है, खाना कब बनाते हैं कब नहीं, बोलते स्कूल में ये काम करो वो काम करो, सिवाय लाठी चार्ज घसीट घटीस के मारना। अरे कहाँ है वो, हम पूछना चाहते हैं, जब कमेटीज भारतीय जनता पार्टी ने कंटिजेंट पेड वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स इनके लिए बनाई, कहाँ है वो? ना सरकारी नौकरी दी, ना पैसा दिया, ना मुआवजा दिया, और इसलिए ये परेशान है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।